आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, जुलाई की 20 तारीख गुरुवार का दिन, आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप, मैं हूं कुलदीप मिश्र। मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड और सेक्सुअल असॉल्ट का वीडियो वायरल होने के बाद वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुकी समुदाय मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्योंकि उन पर मैतेई समुदाय का पक्ष लेने का आरोप है। मांग राष्ट्रपति शासन की भी हो रही है। संसद में आज हंगामे की वजह से मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पाई। भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे, देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी। मणिपुर में महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का वीडियो वायरल होने के बाद आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन वे कितनी देर से और कितनी दुरुस्त आए, आज इसी से करेंगे दिन भर की शुरुआत। उधर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी चुनाव कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें सचिन पायलट के समर्थकों को जगह नहीं मिली है, वर्चस्व अशोक गहलोत का बना हुआ है। क्या ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट अब ऑफिशियली किनारे कर दिए गए हैं? और राजस्थान से सटे हरियाणा में जेंडर रेशियो अब तक बढ़ रहा था, अच्छी बात थी, लेकिन अचानक इसमें गिरावट आने लगी है, क्या वजह है इसकी बात होगी। और अगर आप महीने की बचत करने में संघर्ष कर रहे हैं तो जरूरी जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि खर्च करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, कैश, कार्ड या UPI। फिर जमशेद कमर सिद्दीकी भौचक लेकर भी आएंगे, लेकिन पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया कुलदीप। मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाने का मामला, पीएम मोदी बोले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मणिपुर यौन उत्पीड़न वाले वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मॉनसून सत्र का पहला दिन, हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। पहलवानों से यौन उत्पीड़न का केस, सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली सरकार में उच्च अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों वाले संवैधानिक पीठ को भेजा। राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव कमेटी बनी, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे चेयरमैन। NDA सांसदों की मीटिंग लेंगे पीएम मोदी, 10 ग्रुप बनाए गए, हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद होंगे। राम रहीम पैरोल पर बाहर, रोहतक जेल से बागपत आश्रम के लिए रवाना। और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला। यह है दिन भर, मैं हूं कुलदीप मिश्र। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के 50 दिन हो गए हैं। शांति स्थापित करने का जो दावा केंद्र सरकार ने किया था वो अब तक नहीं हो सका है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच का तनाव हर दिन नासूर बनता जा रहा है। महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड निकाली जा रही है, उनसे सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है। 1.5 महीने बाद FIR दर्ज होती है, लेकिन 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होती। वीडियो वायरल होने के बाद होती भी है, लेकिन अनेक आरोपियों में से सिर्फ एक की। मणिपुर में 2 महिलाओं से भीड़ की अभद्रता का वीडियो वायरल होने के ठीक बाद आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और पहले दिन विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। जो मुद्दा था, जो असल मुद्दा था, उस पर चर्चा नहीं हो पाई और सदन अब कल तक के लिए स्थगित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सुओ मोटो लेकर सरकार को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आगे इस खबर पर बढ़ें, उसके पहले आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से जानते हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर का, वो घटना हुई कैसे और किन परिस्थितियों में हुई? जब मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई उसके ठीक एक दिन बाद की ये घटना है। अब इस घटना की जब तहकीकात हमने की, पुलिस से बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की, तो पता चल रहा है कि उस इलाके में एक अफवाह फैली कि एक कम्युनिटी की महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। और इस अफवाह के बाद हजारों लोग एकत्रित होते हैं, सैकड़ों लोग, एक गांव पर हमला किया जाता है और ये दिन दहाड़े होता है 3 बजे के आसपास। उस गांव में जितने भी घर थे उनको लूटा जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, उनमें आगजनी की जाती है। 5 लोग उस गांव के जो थे, जो दूसरी कम्युनिटी के थे, वो किसी तरह वहां से जंगल में भाग जाते हैं। उसी दिन थोड़ी देर बाद पुलिस उनको किसी तरह ढूंढ निकालती है, रेस्क्यू करती है और पुलिस उनको थाने ले जाने के लिए निकलती है। लेकिन 2 किलोमीटर बाद बीच रास्ते में ही उनको फिर से वो जो भीड़ है, आक्रामक भीड़, हिंसक भीड़, वो रोक लेती है
पुलिस की कस्टडी से उन पांचों को छुड़ा लिया जाता है, खींच लिया जाता है। पांच जो थे इनमें एक ही परिवार के चार लोग थे, एक पति पत्नी, उनके दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। तो जो पति था उसको मार दिया जाता है पहले, और चार तो एक फैमिली के थे और एक फैमिली की एक महिला थी, तो कुल तीन महिलाएं और दो पुरुष थे। तो पिता को पहले मार दिया जाता है, उसके बाद जो तीन महिलाएं हैं उनको सरेआम नग्न किया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है, मोलेस्ट किया जाता है। इस दौरान जब एक महिला जो 19 साल की जो लड़की थी जिसका गैंगरेप हुआ, उससे गैंगरेप की कोशिश होती है, तब उसका भाई जो है वो भी 21 साल का था, वो जब विरोध करता है तो उसे भी मार दिया जाता है। ये सब FIR में लिखा हुआ है, जो कंप्लेन दर्ज कराई गई थी उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद किसी तरह जब उस महिला के साथ, एक जो 19 साल की लड़की थी उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, बाकी दोनों के साथ भी सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, काफी देर तक ब्रॉड डेलाइट में दिन दहाड़े ये चलता रहता है। उसके बाद वो तीनों किसी तरह वहां से भागने में सक्षम हो जाती है, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि वो कंप्लेन दर्ज नहीं कराती। और कंप्लेन दर्ज कराई जाती है 18 मई को, यानी कि लगभग 14 दिन बाद, वो भी उस गांव के जो मुखिया थे उसके द्वारा पुलिस में कंप्लेन की जाती है। और कंप्लेन 18 मई को की जाती है, लेकिन पुलिस इस पूरी घटना को FIR में तब्दील करती है 21 जून को, लगभग एक महीने बाद। और उसके बाद जो गिरफ्तारी होती है वो आज सुबह होती है, वो भी लगभग एक महीने बाद, और वो भी तब जब ये वीडियो सामने आता है। अनुपम मिश्र बता रहे थे कि एक फेक न्यूज से लोग इतने आक्रोशित हुए कि दूसरे समुदाय की महिलाओं पर यौन हमले करने लगे। पीड़ित महिलाओं में से एक ने जो मीडिया इंटरव्यू दिए हैं उनमें आरोप लगाया है कि पुलिस भी वहां मौजूद थी लेकिन वो भीड़ का साथ दे रही थी। इस खबर के सामने आते ही कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी तोड़ने का दबाव बन रहा था और आज आखिरकार उनका मौन टूटा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में, राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री बोले तो जरूर, लेकिन जो बोले वो नाकाफी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेथ, अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है, आप चुप बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू है, यानी लॉ एंड ऑर्डर अब सीधे केंद्र सरकार देख रही है। केंद्रीय एजेंसियां वहां सक्रिय हैं, यानी जो वहां हुआ उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। इंडिया टुडे के नॉर्थ ईस्ट ब्यूरो प्रमुख कौशिक डेका इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। कौशिक जी, पहले तो आज जो प्रधानमंत्री का बयान आया मणिपुर के वीडियो पर, क्या वो देर से आया, और आया भी तो कितना दुरुस्त आया है? जाहिर सी बात है, बयान आने में बहुत देर हो गई। ये जो घटनाक्रम मणिपुर में चल रहा है हिंसा के, दो कम्युनिटी के बीच में, कुकी और मेते के बीच में, ये 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। केंद्र के सरकार भाजपा के है, राज्य में भी सरकार भाजपा के है, और दोनों सरकार अक्सर ये कहा करते हैं कि ये डबल इंजन सरकार है। और आपने सुना होगा, देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को कई दफा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व उनके दिल के करीबी है। ये देखा गया है कि पिछले 2 महीनों से हिंसा चल रहे नॉर्थ ईस्ट के एक प्रोमिनेंट स्टेट मणिपुर में, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप है। एक शब्द नहीं बोला गया, एक अपील नहीं किया गया कि शांति के लिए एक अपील किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि हिंसा में ना उलझे। दोनों कम्युनिटी की तरफ अपील कर सकते थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में काफी जनप्रिय है। तो जाहिर सी बात है, बयान जो आया वो काफी देर बाद आया है, बहुत कम है। एक तरह से वो जो भयानक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देख के पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत शर्मिंदा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि पूरे देश को विश्व के सामने शर्मसार होना पड़ा। ऐसे एक वीडियो ने प्रधानमंत्री जी को विवश किया कि मणिपुर में टिप्पणी करे। राजनीतिक नेता नहीं है हम, पत्रकार है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया, इस चुप्पी से प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को या किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप को क्या हासिल हुआ?
ये चुप्पी बहुत पहले ही तोड़ना चाहिए था, बहुत पहले ये कहना चाहिए था कि किसी भी तरह के हिंसा में उलझे हुए लोगों के खिलाफ कड़ी व्यवस्था किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्शन लिया जाएगा और लेना भी चाहिए था। तो अब जैसे कि ये वीडियो बाहर आया है और जितने भी लोग इस जघन्य घटना में, जघन्य क्राइम में, अपराध में इन्वॉल्व है दिख रहा है, उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेना चाहिए, आगे की कार्रवाई दुरुस्त होना चाहिए। जी जी, और जिस तरह की स्थिति मणिपुर में बनी हुई है, आर्टिकल 355 है, प्रशासन का कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, क्या ये सही मौका नहीं है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और अगर सरकार नहीं ऐसा कर रही है तो उसकी वजह क्या है? ऐसे ही मौकों के लिए तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। इस बात पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए या नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में नया क्या होगा? आपने सवाल में ही बोला क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश में चल रहे, डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे, तो एक तरह से केंद्र ही मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे, और जो सरकार राज्य में है वो भी भाजपा की सरकार है, दोनों सरकार एक ही पार्टी के है, तो एक समन्वय तो दोनों सरकार में होना ही चाहिए, या ये उम्मीद किया जाता है कि है। तो अगर राज्य सरकार को हटाया भी दिया जाएगा, मैं कोई पॉलिटिकली ये बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हटाया भी दिया जाएगा तो ग्राउंड लेवल में वास्तविक तौर में कितना बदल जाएगा सिचुएशन, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि आखिर में गृह मंत्री ने खुद ये दावा किया है, कई दफा बोला ही भी है, और बीजेपी के बहुत सारे नेता ने बोला है कि वो स्वयं मणिपुर के स्थिति को निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि केंद्र और राज्य के सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं ये बहुत लोग कह रहे हैं और इसमें सत्यता भी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड है। आप किसी भी मेते लोगों को पूछेंगे, वो कहेंगे कि असम राइफल्स हो, इंडियन आर्म फोर्सेस हो, ये केंद्र सरकार के जो निरीक्षक है या केंद्र सरकार के जो इकोसिस्टम है वो कुकी मिलिटेंट्स या कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स की तरफ सॉफ्ट है, को उनके तरफ थोड़ा बायस्ड है। अगर आप किसी कुकी लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह सरकार जो है वो पूरा का पूरा मेटे के सपोर्ट कर रहे, मेटे विजिलांटे ग्रुप्स को बैक कर रहे, पूरे स्टेट को वेपनाइज कर दिया है, और क्योंकि जो आर्म फोर्सेस है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये तीनों जो एजेंसीज है, इन तीनों पे ये जिम्मेवारी है कि वहां पे शांति बरताया जाए, लेकिन तीनों पे ही पूरी तरह का भरोसा दोनों कम्युनिटी का है नहीं, बहुत बड़ा मसला है। साथ में जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हो या पूरे एथनिक कम्युनिटी, जो भी दोनों कम्युनिटी है, वो हर तरह से एथनिक लाइन पे बढ़ गया है। वहां पे आज कोई पत्रकार नहीं, सिविल सर्वेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, हर कोई मेईतेई या कुकी है। ये जो भावनाएं घुस गया है बहुत ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है, लेकिन मेजॉरिटी में ये जो एथनिक फीलिंग आ गया है, एथनिक लॉयल्टी और जो सारे जो थॉट प्रोसेस है वो एथनिक लाइन पे हो रहे, इसके वजह से जो दोनों कम्युनिटी में जो डिवीजन है वो बहुत बढ़ गया है। दोनों को जोड़ने में बहुत वक्त लगेंगे, और बहुत सही इंटेंशन के साथ जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है शांति वापस लाने के लिए मणिपुर में, बारीकी से बहुत सेंसिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थे कौशिक डेका। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 फरवरी 2017 का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम ना कर सके उसे वहां राज करने का अधिकार नहीं है। ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब मणिपुर में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी और अब वहां बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। राजस्थान में दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट इस बार भी सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। कांग्रेस की चुनाव कमेटी की जब आज घोषणा हुई तो ये तय हो गया कि सचिन पायलट के साथ जो मान मनोवल हुई थी उसमें उनके हाथ कुछ लगा नहीं। राजस्थान कांग्रेस की चुनाव कमेटी में ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी ही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, जो पहले से प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 29 लोग इस कमेटी के सदस्य हैं। हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में राजस्थान कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी से। आनंद, ये कमेटी तो आ गई है, नाम आ गए हैं, क्या कहती है ये चुनाव कमेटी और पलड़ा स्पष्ट है कि किसका भारी है? देखिए, जो कांग्रेस ने आज ये 29 सदस्यीय राजस्थान चुनाव कमेटी का जो गठन किया है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो अशोक गहलोत खेमे के ही हैं। इनमें कुछ तो ज्यादातर तो मंत्री हैं अशोक गहलोत सरकार में अभी, और कुछ लोग जो बाहर के भी रखे हैं विधायक भी,
वो भी उन्हीं के गुट से हैं। सचिन पायलट को जरूर इसमें शामिल किया गया है, और सचिन पायलट के साथ अगर अपन सचिन पायलट के जो समर्थक विधायकों का अगर देखें तो उसमें एक मुरारी लाल मीणा है दौसा से, उनको इसमें शामिल किया गया है जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। और वैसे इस कमेटी के बारे में ऑल ओवर देखें तो अब तक राजस्थान में ये लगातार एक तरह की अफवाह थी या राजस्थान में इस तरह की कई अटकलें थी कि चुनाव से पहले राजस्थान में संगठन के मुखिया को बदला जा सकता है। तो इस चुनाव कमेटी के बनने के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है कि अब गोविंद सिंह डोटासरा ही राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष रहेंगे कांग्रेस के चुनाव तक। और जहां तक अपन इस कमेटी की पूरी बात करें तो आप देखिए कि इसमें अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, ये जितने भी लोग हैं इनमें तीन चार लोगों को ऊपर के छोड़ दें तो ज्यादातर तो ये अशोक गहलोत सरकार के अभी मंत्री ही हैं। और अगर अपन इनके जनाधार की बात करें तो इनमें से बहुत कम नेता ऐसे हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट या एक दो नेताओं को छोड़कर जिनका अपने इलाके से बाहर जनाधार है या जो अपने इलाके से बाहर कांग्रेस को वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल राजस्थान में चुनाव जिताने वाली कमेटी होगी, ऐसा इससे अभी के तौर पे तो साफ नजर नहीं आता। जी, जैसा आपने कहा अशोक गहलोत के करीबियों को ज्यादा जगह दी गई है, लेकिन हाल फिलहाल की जो घटनाएं थी, दिल्ली में जो बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट की भी एक हद तक सुनी जा रही है और उसके बाद चुनाव कमेटी में उनके समर्थक विधायकों को जगह नहीं मिली या कम जगह मिली, तो ये दर्शाता क्या है? आला कमान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल इस कमेटी को देखकर तो यही लगता है कि सचिन पायलट के जो समर्थक थे, जो लोग सचिन पायलट का साथ देते रहे हैं, जैसे आप ये अगर दिग्गज नेताओं की बात करें कुछ लोगों की, तो जैसे हेमाराम चौधरी है जो बाड़मेर संभाग के नेता है, कई बार विधायक रहे हैं और उनकी एक छवि भी निष्पक्ष और अच्छे ईमानदार नेता की छवि मानी जाती है, उनको इस कमेटी में जगह नहीं मिली है। अगर अपन बात करें दीपेंद्र सिंह शेखावत जो सचिन पायलट के काफी समर्थक है और उनकी सभाओं में लगातार जाते रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली है। इसी तरह से उनके जो खास जो युवा जो नेता थे, दो मुकेश बाखर और जो रामनिवास गावड़िया, उनको भी इस कमेटी में जगह नहीं मिली है। तो इस तरह के सचिन पायलट के जो समर्थक, जो 19 विधायक पहले बताए जाते थे, आजकल 15 विधायक हैं, उनको भी इस टीम में जगह नहीं मिली है। कमेटी में अगर अपन देखें तो रमेश चंद्र मीणा एक चेहरा है जो पहले जब मानेसर में सचिन पायलट गए थे तब उनके साथ थे, लेकिन मानेसर से लौटने के बाद में उन्होंने अपना पाला बदल लिया और वो अशोक गहलोत गुट में आ गए, उनको जरूर इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो इस तरह के कई नेता आए हैं, लेकिन जो सचिन पायलट के जो घोर समर्थक हैं या सचिन पायलट के जो साथ खड़े रहते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अनंत जी, आप कह रहे थे कि विनिबिलिटी के आधार पर ये चुनाव कमेटी नहीं बनाई गई, ये चुनाव कमेटी चुनाव जितवा सकती है नहीं, इसमें संशय है। कौन कौन से ऐसे नेता थे जो जमीनी स्तर पर मजबूत थे, जिनका प्रभाव अपने क्षेत्र से आगे भी था, लेकिन उनको इसमें जगह नहीं दी गई? देखिए, पुराने कोई भी अध्यक्ष हैं उनको इस कमेटी में नहीं रखा है। आप देखिए कि अशोक गहलोत तो बहुत साल पहले अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया है, लेकिन उनके पहले जितने भी जो उनके बाद में जितने भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान में, अच्छी खासी स्थिति में रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर सीपी जोशी की बात करें या नारायण सिंह की बात करें, इस तरह के जो और नेता रहे हैं उनसे पहले बीडी कल्ला और इस तरह के कई नेता रहे हैं जिनकी अगर अपन बात करें, तो उनको किसी को भी इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। साफ संकेत है कि जो मंत्री थे या अशोक गुट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इस कमेटी में ज्यादा जगह मिली है। और इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत दोनों की इस पूरी कमेटी में चली है। तो कमेटी के गठन में गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत की चली है इस बार, सचिन पायलट इस बार भी पीछे रह गए। बता रहे थे जयपुर से आनंद चौधरी। आज से 8.5 बरस पहले हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। इस अभियान और दूसरे प्रयासों का भी असर दिखा कि हरियाणा का लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या पहली बार 900 के पार पहुंच गई। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा का सेक्स रेशियो एट बर्थ सिर्फ 834 था, जो उस वक्त के नेशनल एवरेज 919 से काफ़ी कम था। लेकिन 2015 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई और इसमें लगातार सुधार हुआ। साल 2020 में ये आंकड़ा 922 तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद फिर से इसमें ढलान की स्थिति देखी जा रही है। पिछले साल ये आंकड़ा 917 था और इस साल के शुरुआती 6 महीनों में घटकर 906 हो गया है। हरियाणा के सेक्स रेशियो में गिरावट का ये नया ट्रेंड क्या कहता है, किन स्याह पहलुओं को उजागर करता है, पूछा मैंने चंडीगढ़ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से।
2015 की तुलना हम लोग अभी से करें तो हमें इम्प्रूव दिखाई देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले साल की तुलना में 10 जो पॉइंट है वो गिरी। इसका बड़ा जो कारण मानते हैं विशेषज्ञ, यही मानते हैं सरकार कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग जो है कमजोर सरकार की पड़ रही है। हालांकि बहुत सारे केसेस हमने देखे कि किस तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है उनके केंद्रों पर लगातार छापेमारी हुई है, या जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी था कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे, गाड़ियों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी, चोरी छिपे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सेक्स रेशियो है या लिंगानुपात है वो गिर गया है। और हरियाणा सरकार के निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जहां की जो लिंगानुपात दर है वो हमेशा खबरों में बनी रही है और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। हालांकि प्रयास किए गए थे सरकार की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए, उसमें बहुत लोग आगे आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 10 पॉइंट तक सेक्स रेशियो गिरने की जो खबर है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है। और वहीं जो सामाजिक संगठन है या दूसरे संगठन है वो सरकार की मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंजीत, कौन से जिले हैं जहां स्थिति ज्यादा गंभीर है और सरकार या सरकारी एजेंसियों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान आया है क्या? डेटा की बात करें तो हरियाणा की 10 जिले जिसमें जींद, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, अम्बाला, झज्जर, पंचकूला, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़, इनमें हालांकि कुछ अरसे में जो लिंगानुपात की दर है वो सुधरी है, लेकिन 12 जिलों में जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, नूह, पलवल, हिसार, भिवानी, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, चरखी, दादरी आदि, इनमें जो लिंगानुपात है वो घटा है कंपैरेटिवली। और सरकार ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि जो कोशिश है वो सरकार की जारी रहेगी ताकि जो सेक्स रेशियो है वो लगातार इम्प्रूव हो। तो सरकार की कोशिश है लगभग जारी है, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लिंगानुपात गिरा है वो चिंता का विषय भी बना। इसे आयरनी विडंबना ही कहा जाए कि एक तरफ हरियाणा में भ्रूण हत्या बड़ी समस्या रही है और दूसरी तरफ कम लिंगानुपात की वजह से हरियाणा के लोग दूसरे राज्यों से खरीद कर, ये बोलने में बहुत खराब लगता है, लेकिन खरीद कर एक कीमत देकर दुल्हने बहुएं लाते रहें। ये तो सत्य है कि महीने की शुरुआत में हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई, घर का किराया और फीस जैसी चीजों पर खर्च हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपकी आमदनी बढ़े तो उसके साथ साथ अपने खर्चे को मत बढ़ाइए ताकि बढ़े हुए पैसों की आप बचत कर सकें। इसके साथ ही पैसे कैसे खर्च करें इस पर भी तमाम टिप्स मिलते रहते हैं, लेकिन खर्च किस माध्यम से करें ये भी एक ज़रूरी सवाल है। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कैश, UPI या कार्ड? हमने पूछा बिजनेस टुडे में जर्नलिस्ट और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट टीना जैन कौशल से। हमारे पास पेमेंट के लिए काफी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं इसको ब्रॉड तरीके से बोलूं तो 2 तरीके हैं, कैश और डिजिटल। और डिजिटल में और काफी मोड्स आ जाते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI, ये सब डिजिटल मोड्स हैं। तो अब आपका अगर सवाल ये है कि कैश और डिजिटल में मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी पड़ेगी। कैश एक ईजी तरीका है पैसे का लेन देन करने का। अब डिजिटल में ये होता है कि कहीं जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है पैसे डिजिटली ट्रांसफर करना, तो वहाँ कैश बहुत काम आता है। ऐसे ही अगर हम किसी छोटी दुकान से कुछ खरीद रहे हैं, जैसे कि टॉफी खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, तो कभी कभी इतना छोटा चेंज हमें मिलता नहीं है, और ऐसा 10 रुपए का, 5 रुपए का आजकल के जमाने में चेंज होना मुश्किल हो गया है। पर वहीं UPI फैसिलिटी हर आपको किसी भी नुक्कड़ पे आसानी से मिल जाती है। तो हमें देखना है कि हमारी ज़रूरत क्या है। अगर आपको आपके पास कैश है तो आप बेशक कैश से पे करिए, अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है। टीना, अगर कैश को एक बार किनारे रखें, अगर सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें बेहतर विकल्प क्या है? क्योंकि एक आंकड़ा आया था जिसमें कहा गया था कि देश में लोगों की क्रेडिट कार्ड के जरिए स्पेंडिंग्स बढ़ गई हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में बेस्ट क्या है। जैसे अगर मैं आप एग्जांपल की तौर पे कहूँ कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, भारत सरकार ने फ्रांस के साथ डील करी है कि जहाँ आप UPI फ्रांस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एफिल टावर के टिकट खरीदना चाह रहे हैं तो आप UPI के थ्रू कर सकते हैं। बट अभी ग्राउंड रियलिटी है कि अभी UPI स्टार्ट नहीं हुआ है काफी कंट्रीज में, तो वहाँ आप एंटायरली डिपेंड नहीं हो सकते डिजिटल मोड पे। तो कहीं क्या
कैश का भी एक बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है। तो अगेन जैसे अगर मैं इंडिया की ही बात करती हूँ, वहां पे स्पेंडिंग की बात करती हूँ, डिजिटल में हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, तो अगेन क्रेडिट कार्ड में आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत होते हैं, आपको डिस्काउंट बहुत मिलते हैं, तो अगर आप उसको वाइजली यूज करते हैं तो कहीं आप उससे के लिए बेनिफिट के तौर पे क्रेडिट कार्ड आता है। क्रेडिट कार्ड आपको 45 डेज का फ्री क्रेडिट पीरियड देता है, कभी आपके पास कैश नहीं है, आपको इमरजेंसी की सिचुएशन है और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इजीली उसको स्वाइप कर सकते हैं और अपनी जरूरत उस टाइम के लिए कम से कम पूरी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड क्रेडिट कार्ड में आपको हमेशा ये एक बॉटम लाइन का ध्यान रखना है कि वो अमाउंट आपको 45 डेज के मैक्सिमम आपको वो लौटानी होती है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बेसिक रूल नहीं पता है और आप उस तब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वो देखना है कि आपकी जरूरत क्या है। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, तो वहां क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहां आप हो सके तो कैश का यूज करिए, क्योंकि कैश में आपको पता रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे ओवर स्पेंड नहीं करना है। आपके पास जब खत्म हो जाएगा तो आप ओवर स्पेंड कर भी नहीं पाएंगे। पर कार्ड में ये होता है, क्रेडिट कार्ड में, कि काफी लोग डेट ट्रैप में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं। ऐसे ही UPI एक ईजी तरीका है डिजिटल फॉर्म में कैश को स्पेंड करने का, क्योंकि UPI का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसका अकाउंट भी UPI इनेबल्ड होना चाहिए। कि नंबर्स रिलीज हुए हैं कि UPI ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम 9 बिलियन समथिंग हो गया है, जो बताता है कि UPI कितना फेमस पॉपुलर हो चुका है कंट्री में। ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा। कैश आप मत करिए, अगर आप कैश का यूज करिए अगर आपको लगता है कि आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये पैसा आपको क्रेडिट फ्री कुछ दिनों के लिए ही मिलता है, मैक्सिमम 45 डेज का होता है। अपनी क्रेडिट साइकिल जान लीजिए तभी यूज करिए। UPI भी एक बहुत ईजी तरीका है, बैंक टू बैंक अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है और इसीलिए इसको आपको यूज करने में बहुत आसानी रहती है। तो बेहतर होगा कि आप डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करें और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से जितना हो सकता है उतना बचें। बता रही थी टीना जैन कौशल। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट भौचक का, लेकर आए हैं जमशेद कमर से। देखिए, कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें शहर किनारे एक दीवार पर मोटे मोटे लफ्जों में लिखा था, यहां पेशाब करना मना है। उसी के नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ था, लेकिन अगर बहुत जोर से लगी हो तो कर सकते हैं। ये है इंसानियत, ये है हमदर्दी, एक दूसरे के दुख दर्द को और उसके प्रेशर को समझने वाले एहसास। अरे भैया, अगर किसी को एक नंबर आया है और आसपास शौचालय ना हो तो क्या करेगा आदमी, कहीं तो निपटाएगा ही। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने ट्रेन खड़ी हो तो आप ट्रेन ही में घुस जाएं, जैसा अब्दुल कादिर कर गए, वही जो पेशाब करने के बदले में 6,000 रुपए ढीले करके आए। पूरी खबर बताते हैं। 15 जुलाई की बात है, शाम का वक्त था, भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर 32 साल के अब्दुल कादिर भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी था। कादिर भाई ठीक ठाक हैसियत के आदमी है, हैदराबाद में जाफरान हाउस नाम से उनकी ड्राई फ्रूट की दुकान भी है। तो बहरहाल कादिर भाई प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि तभी प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत आकर रुकी। और देखिए, जब किस्मत को कुछ करना होता है तो कैसे कैसे संयोग बन जाते हैं कि ठीक उसी वक्त, मतलब बिल्कुल वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर आते ही कादिर भाई को एक नंबर जाने की जरूरत महसूस हुई। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में थी, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा था कि तनाव बढ़ने लगा, नियंत्रण घटने लगा। होते होते कुछ ऐसा मामला बन गया कि बस कादिर भाई को लगा कि अब दुनिया में कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। सुसु इतनी तेज थी कि बस लगा जैसे जमीन आसमान एक हुए जा रहे। अब ऐसे में उनकी नजर गई सामने खड़ी चमचमाती वंदे भारत पर। 7:24 हो रहा था, 7:24। अब्दुल कादिर ने आव देखा न ताव, चढ़ गए वंदे भारत में और घुस गए ट्रेन के संडास में। लेकिन काश उन्हें पता होता कि भोपाल स्टेशन से वंदे भारत के चलने का समय है 7:25। यानी अब्दुल कादिर को मिशन 1 मिनट में ही अंजाम देना था। अब उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन आखिरकार ट्रेन चल पड़ी। वो वॉशरूम से बाहर आए तो देखा कि प्लेटफॉर्म पीछे छूटा जा रहा है, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए थे भाई साहब। अब अब्दुल कादिर ने जल्दी से इमरजेंसी बटन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बटन नहीं मिला। गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। कुल मिलाकर अब्दुल भाई का कादिर हो गया था।
हालांकि बाद में अब्दुल कादिर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग बोगियों में मौजूद 3 TT, 2 महिला और 2 पुरुष पुलिस कर्मियों से मदद मांगी और ट्रेन रुकवाने को कहा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि गेट सिर्फ ड्राइवर ही खोल सकता है, और जब वो ड्राइवर के पास गए तो उन्हें रोक लिया गया। कादिर ने कहा कि टीटी ने मेरे 1,020 रुपए का टिकट बनाया है, इसके बाद मैं उज्जैन से वापस भोपाल आया हूँ 750 रुपए देकर। इधर मेरी पत्नी ने वो ट्रेन छोड़ दी जो उन्हें मेरे साथ पकड़नी थी। कुल मिलाकर सारा खर्चा जोड़ जाड़ कर अब्दुल कादिर को ट्रेन में सुसू करने का आइडिया जो है वो 6,000 रुपए में पड़ा है। और हाँ, एक बात और बता दें कि इसके बाद अब्दुल कादिर ने कहा कि इस वाकये के बहाने उन्होंने वंदे भारत में इमरजेंसी सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। भाई मान लीजिए कभी किसी पैसेंजर को किसी इमरजेंसी होने पर ट्रेन को रुकवाना पड़े तो कैसे रुकवाएगा? जान माल का नुकसान होने से बचने के लिए इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए। इस पर भोपाल रेल मंडल के PRO सूबेदार सिंह ने कहा कि ट्रेन चलने से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि गेट किस तरफ खुलेगा और ये भी कि दरवाजे लॉक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ट्रेन को तभी रोका जाता है जब हमें ऊपर से आदेश मिलता है। खैर कुछ भी कहिए, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि अब्दुल कादिर भाई अब कभी किसी ट्रेन के वॉशरूम में नहीं जाएंगे। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो आज का दिन भर आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज तक रेडियो के सारे पॉडकास्ट आज तक की एप्लीकेशन के साथ साथ Spotify, Apple पॉडकास्ट, Google पॉडकास्ट, JioSaavn और Wink पर उपलब्ध हैं। आप वहां पर भी हमें सुन सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, जहां उपलब्ध है वहां कमेंट्स कर सकते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग थी सचिन द्विवेदी की। कुलदीप मिश्र को इजाजत दें, नमस्कार।